हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्च सो आज है डे वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन डेली फार्म एम सी के डोज सीरीज का जिसमें हम डेली के फिफ्टी एम सी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से तो so, पहला क्वेश्चन है ऑल आर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट तो so, इनमें से नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है मींस असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो इसमें आइडेंटिफाई करना है तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए एक uh, जो मैनेमिक होता है वो आप देख सकते हैं इट इज़ पी वी टी टिम हॉल ठीक है इससे आप याद रख सकते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स को पी क्या होता है पी इज फिनाइल वी इज वेलनिन टी इज ट्रिप्टोफेन हेर इज़ थ्रियोनिन आई इज आइसोलियोसिन एम मिथियोनिन एच इज हिस्टिडिन ए आर्जिनिन एल लाइसिन एंड एल इज ल्यूसिन तो ये आपके होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स तो बाकी जो बच जाते हैं वो आपके नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं तो so, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका वेलिन जो है वेलिन इज असेंशियल अमायनो एसिड तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है एंड बाकी जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो आपके नॉन असेंशियल माइनर एसिड्स होते हैं इसमें आप आ, याद रख सकते हैं ट्रिपल ए ट्रिपल जी सी टी पी एस ठीक है इससे आप याद रख सकते हैं ट्रिपल ए में आपके आ जाएंगे लाइक एलेनिन, एसपेराजिन एंड एसपेराटेट जी से आपका आ जाएगा ग्लूटामेट ग्लूटामिन ग्लाइसिन एंड सी इज़ फॉर सस्टीन पी इज़ फॉर टाइरोसिन पी इज़ फॉर प्लोलिन एंड एस इज फॉर सीरिन तो ये डिफरेंट आपके जो हैं वो नॉन असेंशियल माइनो एसड होते हैं ये दोनों आप कोर्ट्स जो हैं वो याद कर सकते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोफ थलमिया इज ड्यू टू द डेफिशिय ऑफ जीरोफेलमिया या नाइट ब्लाइंडनेस है तो ये आपका किस विटामिन की डेफिशियंसी की वजह से होता है सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशंसी ऑफ विटामिन ए तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करे विटामिन डी की वजह से आपका रिकेट्स हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है रिकेट्स आपका चिल्ड्रेंस में होता है एंड ऑस्टियोमलेशिया आपका जो है वो अडल्ट में होता है विटामिन सी की वजह से आपका डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो है, वो है आपका स्कर्बी एंड विटामिन बी आपके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एंड अलग अलग विटामिन के डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ ट्रहलोस इज सो ट्रहलोस जो है वो हमें कहाँ से मिलता है क्या उसका सोर्स है सो द सोर्स इज फंग एंड ईस्ट सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एसिडिक पी एच द अमाइनो एसिड इज सो एसिडिक पी एच पे अमाइनो एसिड जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो एसिडिक पी एच पे आपका अमाइनो एसिड केटाइनिक फॉर्म में रहेगा सो so इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है तो एग्जांपल अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच आपका जीरो टू फोर्टीन के बीच में रहता है ठीक है तो ज़ीरो सेवन एंड फोटीन सेवन पे ये न्यूट्रल रहता है सेवन से इस साइड जीरो की तरफ जाएगा तो ये आपका एसिडिक हो जाएगा एंड फोर्टीन uh, की तरफ जाएगा तो ये आपका बेसिक हो जाएगा एसिडिक मीन्स इसमें आपका जितना जीरो की साइड पर जाएगा उतने हाइड्रोजन आइन्स बढ़ेंगे एंड जितना बेसिक की तरफ जाएगा उतने ही आपके ओ एच नेगेटिव आइन्स बढ़ेंगे तो जब ये एसिडिक पीएच रहेगा मींस जीरो की तरफ पे ये एसिडिक है तो जितना ज़्यादा एसिडिक रहेगा उतने ही ज़्यादा इसमें एच पॉजिटिव आइंस रहेंगे मींस ये केटाइनिक फॉर्म में रहेगा ठीक है वैसे ही अगर बेसिक पीएच की बात करेंगे तो जितना ज़्यादा बेसिक की तरफ जाएगा तो ये उतने ही नेगेटिव आइंस इस पर बढ़ेंगे तो ये आपका एनाइनिक फॉर्म में रहेगा एंड अगर ये न्यूट्रल पी पे है या फिजियोलॉजिकल पी पे है तो ये आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहेगा तेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ टू टू टेन मोनोसेक्राइड्स आर नॉन एज दो से दस मोनोसेक्राइड्स का कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है वो आपका होता है ओलिगोसेक्राइड्स सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार इज़ अ टाइप ऑफ सो so, कालाज़ार जो है वो लेस्ट का एक टाइप है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज़ कॉल्ड सो ब्लड में पैथोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस जो है वो क्या कहलाती है तो इट इज़ नोन एज सेप्टीसीमिया सो इसमें आपका ऑप्शन बी बीस करे वैसे जो सेप्टीसीमिया एंड वैक्टीरियेमिया ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सिमिलर रहती हैं ठीक है दोनों ही ये डिनोट करते हैं कि ब्लड में आपका बैक्टीरिया की प्रेजेंस है लेकिन यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात की गई है पैथोजेनिक हार्मफुल या डेंजरस बैक्टीरिया जो है वो अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो दैट इज नॉन एज सेप्टीसेमिया एंड uh, सभी टाइप्स के वैक्टीरिया जो है वो आपके रहेंगे वैक्टीरियेमिया नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिड कंटेंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल सो बैक्टीरियल सेल वॉल में आपका म्यूरामिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एंटी फिलेरियल ड्रग इनमें से एंटीफिलेरियल ड्रग कौन सा है तो एंटी फिलेरियल ड्रग आपका रहेगा डी ई सी दैट इज डाईल कार्माजीन सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकोमा इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द तो ट्रेकोमा जो है वो आपका आइज़ के एक इन्फेक्श डिजीज है आइज़ में इंफेक्शन होती है इसमें सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रॉफी इन सेवर क्रॉनिक इलनेस इज कॉल्ड ठीक है तो सेवर क्रॉनिक इलनेस में जो आपका वेट लॉस होता है एंड मसल एट्रॉफी होती है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है सो दिस कंडीशन इज़ नॉन एज कचेक्शिया सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल ऑर्डर बिजनेस इज सो मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस रिटेल ट्रेड वाई पोस्ट तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीनरेंट रिटेलर्स सेल द गुड्स फ्राम तो एटीनरेंट रिटेलर्स जो हैं वो गुड्स या सामान को कैसे बेचते हैं सो वो मूविंग फ्राम प्लेस टू प्लेस ठीक है लोगों के घर घर जा कर के सामान को बेचा जाता है तो so, जो भी पेडलर्स हॉक्स होते हैं सो so ये सारे आपके इटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिफ़िकेशन फॉर स्टार्टिंग अ रिटेल सेल ड्रग स्टोर शुड बी सो रिटेल सेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहती हैं सो so, जो भी कैंडिडेट है वो आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए ड्रग uh, स्टोर को ओपन करने के लिए सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेडिसिन व्हाट डज लासा स्टैंड फॉर सो मेडिसिन में लासा का मीनिंग क्या होता है सो लासा मीन्स लुक अलाइक और साउंड अलाइक ऐसे ड्रग्स जो कि दिखने में भी सिमिलर आपके रहते हैं एंड uh, सुनने में साउंड अलाइक ठीक है सुनने में भी सेम रहते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका प्रेडनी सोन हो गया एंड प्रेडनी सोलोन हो गया एंड प्रेडनी सोलोन हो गया ठीक है तो ये आपका दिखने में भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे क्योंकि जब प्रिस्क्रिप्शन आप देखते हैं तो कंप्लीट नाम नहीं लिखा जाता उसमें सिंपली ऐसे करके लिखा जाएगा प्रगनीसोलोन एंड प्रगनिसोन तो वो आपके दिखने में भी सेम रहते हैं सुनने में भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडलाइन इज सो मेडलाइन क्या है सो मेडलाइन एक मेडिकल लिटरेचर डाटा है तो so इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज़ द हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट जो है वो किसे कहा जाता है सो इट इज़ काउंसलिंग कॉन्टेंट सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ फार्माको विजिलेंस फार्माको विजिलेंस क्या है तो फार्माको विजिलेंस क्या रहता है इसमें आप मेडिसिन uh, के रिस्क एंड सेफ्टी को एनालाइज करते हैं डिफरेंट चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं एडवर्स रोग रिएक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन के बारे में स्टडी की जाती हैं तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सी पी आर सीन इन ऑल ऑफ़ द फॉलोइंग सो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हैं वो आपकी किस फेज़ में नहीं देखी जाती है। so, one, four, हैं सो फेज़ वन टू एंड फोर इनमें देखी जाती हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जीसीपी जो है वो नहीं देखी जाती है सो तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ई जी इज़ यूटिलाइज टू डाइग्नोस डिजीज़ एसोशिएटेड विद सो ई जी जो है वो आपकी यूटिलाइज होती है किस पार्ट किस बॉडी के किस पार्ट में डिजीज़ को डाइग्नोज करने के लिए सो ई जी होती है ई जी इज़ एलेक्ट्रो एनसेफिलोग्राम ग्राम ठीक है तो ये आपका ब्रेन के साथ जो भी डिजीज एसोसिएटेड होती है उनको डायग्नोस करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है ईएजी का यहीं पे एक आती है आपकी ईसीजी सी जी दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि आपका हार्ट के साथ डिजीज को देखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायबेटिक हारमोन इनमें से एंटी डायबेटिक हारमोन कौन सा है सो वेसोप्रेसिन इज द एंटी डायबेटिक हारमोन जो कि आपका पोस्टीरियर पिटरी से सिक्रीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉर्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज तो कौन सा हारमोन जो है वो मिल्क की सिक्रीशन एंड रेगुलेशन में इन्वॉल्व रहता है सो so, ये आपका हारमोन होता है प्रोलेक्टिन सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड सो कौन सा कार्डियोस्कुलर डिजीज है जो कि हार्ट रेट एंड हार्ट रिदम के डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है सो दिस डिजीज इज अरिदमिया सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन इनमें से फीमेल सेक्स हारमोन कौन सा है सो so, आपका एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन आपका मेन फीमेल सेक्स हारमोन होता है टेस्टोस्टिरन जो है वह आपका मेल में जो है वो सेक्स हारमोन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एम टू स्टेट्स दैट तो शेड्यूल एम टू जो है वो क्या स्टेट करता है तो शेड्यूल एम टू में आपका रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं फैक्ट्री प्रेमिस की फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स ठीक है किसके लिए एम टू में कॉस्मेटिक्स के लिए दी गई हैं वहीं पे अगर मैं मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस की बात करूं मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो आपकी एम थ्री में दी गई हैं होम्योपैथी के बारे में बात करूँ तो होम्योपैथी आपकी शेड्यूल एम वन में दी गई हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है Then, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ठीक है सो मैन्यूफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स कॉस्मेटिक्स के ठीक है यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कॉस्मेटिक्स के किस शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं तो ये आपकी कॉस्मेटिक्स की बात आई है तो इट इज़ इन द शेड्यूल यू वन सो इसमें आपका ऑप्शन सी एस करें शेड्यूल बाई की बात करूँ सो शेड्यूल बाई जो है वो आपका उसमें रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस रहती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ठीक है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपकी रिक्वायरमेंट रहती हैं यू की बात करूँ सो यू में आपके वो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूटिलाइज होते हैं सिमिलर है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स लेकिन कॉस्मेटिक्स नहीं ये आपके मेन जो ड्रग्स रहते हैं ड्रग्स के एनालिटिकल रिकॉर्ड्स एंड रॉ मटेरियल्स के आ रहते हैं शेड्यूल बी की बात करूँ तो शेड्यूल बी में आपके जो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन रहती हैं ठीक है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन रहती हैं उनके स्टैंडर्ड्स शेड्यूल वी में दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पीज शुड बी स्टोर्ड एट तो इंसुलिन इंजेक्शन शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली कितने टेम्परेचर पे स्टोर होना चाहिए इट शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर टू टू एट डिग्री सेल्सियस एंड एट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्री ठीक है दो से आठ डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करना चाहिए सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एफ थ्री इज़ रिलेटेड विद सो शेड्यूल एफ थ्री जो किस है वो किसके साथ रिलेटेड है सो इट इज़ रिलेटेड विद द स्टैंडर्ड फोर्स स्टरलाइज्ड एम्बिलकल टेप्स किसके रिगार्डिंग स्टरलाइज एम्बेलिकल टेप्स के स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग शेड्यूल एम एफ थ्री जो है वो रिलेटेड है अगर सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपका शेड्यूल एफ़ टू आ जाएगा ऑपथेलमिक प्रपरेशन तो uh, uh, की बात करेंगे तो so, ये आपका शेड्यूल एफ एफ आ जाएगा एंड प्रोडक्शन की बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिरा सो ये आपका शेड्यूल एफ में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर सो कोल तार कलर्स की लिस्ट जो कि परमिट की जाती है कॉस्मेटिक्स में यूज करने के लिए सो so ये किस शेड्यूल में आती है सो इट कम्स अंडर शेड्यूल क्यू यानी शेड्यूल ओ की बात करूँ तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टेंट फ्लूड्स आ जाते हैं जैसे कि आपका डेटॉल हो गया शेड्यूल पी में क्या आता है तो शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स आ जाते हैं लाइफ पीरियड ऑफ़ ड्रग्स शेड्यूल आर में क्या आता है तो शेड्यूल आर में आपके स्टैंडर्ड्स आते हैं क्वॉटम्स एंड अदर मकैनिकल डिवाइस के जो कि आपके रबर लेटेक्स से बने होते हैं सिंगल यूज़ के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू सो वन टेबल स्पून फुल जो है वो फिफ्टीन एम एल के इक्वल रहता है सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड और सेमी सॉलिड मास मेन टू बी इंसर्टेड इन टू बॉडी ऑरीफाइस इज कॉल्ड तो एक ऐसा सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड मास जो कि बॉडी ऑरीफाइज में इंसर्ट किया जाता है ठीक है बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है तो so, इससे कहा जाता है सपोजिटरीज सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज़ अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर डिराइव्ड प्रॉपर्टी पाउडर की इनमें से कौन सी है डिराइव्ड मीन्स जो कि आपके दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है किसी दूसरी प्रॉपर्टी से डिराइव की जाती है तो सरफेस एरिया हम डायरेक्ट पाउडर के थ्रू जो है वो देख सकते हैं पार्टिकल साइज इट इज़ ऑल्सो नॉट अ डिराइव प्रॉपर्टी ये दोनों ही आपकी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन बल्क डेंसिटी जो कि जैसे अगर आप देखेंगे डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम तो इसमें आपको ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो डिटरमाइन करनी पड़ेंगी उसकी हेल्प से जो है वो आप वर्क डेंसिटी या नॉर्मल डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे बल्क डेंसिटी का अलग फॉर्मूला रहता है तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द अडल डोज ऑफ अ ड्रग इज़ टू फिफ्टी एम जी वट वुड बी द अप्रोप्रिएट डोज फॉर अ सिक्स ईयर ओल्ड चाइल्ड बेंग सिक्सटी एल बी ठीक है तो यहाँ पर आपको एज भी दी गई है वेट भी दिया गया है एंड अडल्ट डोज भी दी गई है तो आपको चाइल्ड डोज जो है वो कैलकुलेट करनी है बट यहाँ पर हमें वाई यंग्स फॉर्मूला जो है वो चाइल्ड डोज कैल्कुलेट करनी है जिसमें एज जो है वो यूटिलाइज़ होती है तो इस केस में आपका चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज इन ईयर्स प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय अडल डोज ठीक है एज हमें पता है सिक्स ईयर्स है सिक्स ईयर्स आ जाएगी अडल डोज हमें पता है टू फिफ्टी एम जी है सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्यूट करेंगे ठीक है एज आ गई सिक्स एंड यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ सिक्स प्लस ट्वेल्व जो है वो हो गए आपके एटीन मल्टीप्लाई बाय टू फिफ्टी जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर अराउंड एटी थ्री पॉइंट थ्री समथिंग आएगा सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रिस्क्रिप्शन द एब्रीवेशन एस ओ एस इंडिकेट्स तो प्रिस्क्रिप्शन में जो एब्रीवेशन एस ओ एस होती है वो इंडिकेट करती है नीड ओनली सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर ओरल यूज़ कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड तो हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन ओरल यूज के लिए जिनमें शुगर कंटेन करते हैं जो सो दीज आर नॉन एज एलिगजर्स सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश एम एल कैपेसिटी तो कैप्सूल साइज अगर थ्री है तो उसमें जीरो पॉइंट थ्री जीरो एम एल जो है वो इसकी कैपेसिटी रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्मोकोपी वज पब्लिश इन तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है दिस uh, ईयर भी काफ़ी एग्जाम्स में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है तो so, पहला एडिशन इंडियन फार्मा कॉपिया का कब पब्लिश हुआ था इट वाज इन द ईयर 1955 एंड uh, इसके सप्लीमेंट 1960 में आए थे लेटेस्ट आपका है ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाला जो कि आपका नाइन्थ एडिशन है मनसुख मंडाविया की चेयरमैनशिप में ये आया था देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्ची इज़ अ so, सो कुर्ची किस टाइप का अल्कोलॉड है सो so, कुर्ची जो है वो आपका एक स्टीरोडल अल्कोलॉड है है ना इसे कहा जाता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर कंटेन्स सो so मेर में क्या चीज़ प्रजेंट होती है तो so, मिर आपका ओलिगम रेजिन होता है सो इट इज इट कंटेन्स गम सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कंटेन कीनाजोलिन अल्कोलॉयड कीनाजोलिन अल्कोलॉयड जो है वो कौन सा ड्रग कंटेन करता है तो दिस ड्रग इज़ वैसाका सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टीरोडल अल्कोलॉइड्स इनमें से स्टीरोडल अल्कोलॉड्स जो हैं वो किसमें प्रजेंट नहीं होते हैं अश्वगंधा कंटेन्स कुर्ची कंटेन्स विराटम कंटेंस लेकिन एफेड्रा में आपका स्टीरोडल एल्कोलोइड नहीं होता है इसमें आपके अमाइनो अल्कोलॉयड होते हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन जो है वो हैड रिंग के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है बल्कि ये आपका साइड चेन में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन ड्रॉप्स कंटेन ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजन टेस्ट जो है वो आपका यूटिलाइज होता है अल्कोलोइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरल टेस्ट है एंड इसकी की कंपोजिशन क्या रहती है एट कंटेंस पोटेशियम आयोडाइड एंड बिस्मथ आयोडाइड सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन विटामस का रिच सोर्स क्या है तो so, विटामिन आपके शार्क लीवर ऑयल में आपके काफ़ी रिच विटामस रहते हैं सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी थ्री रेफर्स टू विटामिन बी थ्री क्या रहता है तो विटामिन बी थ्री इज नियासिन तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बाकी जो आपका थायमिन होता है थायमिन आपका विटामिन बी वन होता है ड्राइव राइबोफ्लेविन आपका विटामिन बी टू रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एसमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोसिस तो ग्लूकोस में कितने एसमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो so, ग्लूकोस uh, में टोटल फोर एसमेट्रिक या काइरल कार्बन एटम्स होते हैं uh, जिसकी वजह से अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे टू की पावर एन दैट मीन्स इट इज़ सिक्सटीन तो इसमें सिक्सटीन आइसोमर्स जो हैं वो आपके पॉसिबल रहते हैं तो so, यहाँ पे सिर्फ एसमेट्रिक कार्बन आइटम्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी फोर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वि शुगर गिव्स अ पॉजिटिव सेल्वीन ऑफ टेस्ट कौन सी शुगर जो है वो पॉजिटिव सेल्विन ऑफ टेस्ट देगी तो ये आपका रहेगा फ्रकटोस फ्रकटोस विल गिव पॉजिटिव सेल्विन ऑफ टेस्ट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्जोकाइनीज एंजाइम रिक्वायर्ड डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी सो हेक्गजोकाइनीज जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस पास में अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें इनिशियल स्टेप आपका रहता है जिसमें हेक्जोकाइनीज एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड रहता है एंड हेक्जो एंजाइम जो है वो हेक्गजोकाइनीज जो है वो आपका एम जी टू पॉजिटिव को यूटिलाइज करता है एक्टिवेशन के लिए सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोवनजाइम एन ए डी इज डेरीवेटिव ऑफ सो कोजाइम एन ए डी है ये आपका नियासिन का डेरीवेटिव है सो so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू द अवेंडेंस ऑफ सो एसिड फास्टनेस जो है जो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में होती है वो किसकी वजह से होती है सो इट इज़ ड्यू टू दवेंडेंस ऑफ माइकोलिक एसिड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल शेड बैक्टीरियल आर एज डेथ स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया जो है वह आपका होता है कोकाई सो so इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बेब्रिय आपके कोमा शेप्ड होते हैं वैसीलाई आपके रोड शेप्ड हैं स्पायरल शेड्स आपके स्पाइरल शेप के रहते हैं तो इसी के साथ में हमारे आज के फिफ्टी एम सी के क्वेश्चन भी कम्प्लीट होते हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच